आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता, और इसे हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से। तो जब भी आपको कुछ हेल्दी बना के खाने का मन करे तो इस गेहूं के आटे के नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फिर फटाफट से इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बाउल, इसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूँ का आटा और 2 टेबल स्पून के बराबर चावल का आटा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर और वाइट तिल। वाइट तिल ज़रूर ऐड करेंगे, इससे नाश्ता हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और थोड़ा सा ऐड कर लेंगे अजवाइन और बिल्कुल थोड़ा सा ऐड कर लेंगे नमक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर बनाएंगे, क्योंकि हमें एकदम थिक बैटर चाहिए। तो अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े, और अच्छी तरीके से हमें एक थिक बैटर बना के इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो बस हमारा बैटर रेडी है, अब हम इसे साइड में रख लेंगे। और उसके बाद हमें चाहिए 2 कच्चे आलू, तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से धुल के छील लिया है। अब हम इसे ग्रेट करेंगे बारीक वाले ग्रेटर से, और इस तरीके से हम ग्रेट करके रेडी कर लेंगे दोनों आलू को। उसके बाद हम इसको अच्छे से 2-3 पानी वॉश करेंगे ताकि इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। तो अच्छे से वॉश करके हम स्क्वीज़ कर लेंगे, उसके बाद हम उसी बैटर में इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम गेहूं के आटे वाले बैटर में सभी आलू को अच्छे से ऐड कर लेंगे। उसके बाद ऐड कर लेंगे ग्रेट किया हुआ कैरेट। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल ऐड करके इसे बना सकते हो जो आपको पसंद हो। उसके बाद ऐड कर लेंगे ग्रीन चिली, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा ऐड कर लेंगे बारीक चौपके हुआ धनिया के पत्ते, और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे बैटर में। तो सभी वेजीज हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं इनो, ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही फुला फुला बने। तो यहाँ पे मैंने 1 पैकेट इनो लिया छोटा वाला। इनो ऐड करके थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर लेंगे हम इसमें पानी। ये देखिए, इस तरीके से हम पानी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसे फेंट लेंगे। इनो ऐड करने के बाद तुरंत हमें नाश्ता बनाना शुरू कर देना है। तो बस अब हम फटाफट से हम नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। तो कढ़ाई में हम सबसे पहले ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद हम ऐड कर लेंगे करी लीव, थोड़ा सा वाइट तिल। इस तड़के को ऐड करके बनाने से नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनता है। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे बैटर। बैटर को ऐड करके अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। तो आपको जितना बड़ा छोटा नाश्ता बनाना हो उस तरीके से आप बना सकते हो। और ऐड करके हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे तो एक तरफ ये बढ़िया सा सिक गया है। तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ऐड करके हम इसे फ्लिप कर लेंगे, और दोनों तरफ बढ़िया क्रिस्पी होने तक हम इसे पकाएंगे। तो धीरे से हम इसको फ्लिप करेंगे ताकि ये टूटे ना। और ये देखिए कितना बढ़िया फूले फूले हमारे नाश्ते बन रहे हैं। तो अब हम इसे फिर से कवर कर देंगे, और 2 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा फूला फूला नाश्ता बन के रेडी है। तो सभी इसी तरीके से हम बना के रेडी कर लेंगे। तो फटाफट से आप भी इस नाश्ते को बनाइए, खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।